Surah Al-Ma'idah chapter 5, 116, 117. Allah Paak kya farmate hain? Kya Maryam tune aur tere bete ne Yesu al-Masih ne? Kya kabhi tum dono ne ye kaha tha duniya mein? Ye mukalma qiyamat ke din hoga ke Allah ko chhod ke hamari ibadat karo. Hazrat Maryam to aage se Hazrat Isa alaihi salam kya hai? Ya Allah, agar maine aisi baat koi kahi hoti to tu jaan leta. ये तेरे लोग हैं, अब तू इनको माफ करना चाहता, माफ कर सजा देना चाहता, सजा दे. मैंने कभी ऐसी बात कही नहीं. देखें, ये कुरान से निकली है बात. मैंने ऐसी बात कही नहीं. क्या कि अल्लाह को छोड़ के मेरी इबादत करो? तो खोलें कुरान को, साबित करें गलत. यहां पर ये लिटमस टेस्ट है. कुरान को साबित करें, बाइबल खोलें, दिखा दें जी यसूल मसीह ने कहा मैं रब हूं, तो कुरान की ये आयत जो है ये गलत हो जाएगी. और माफ करना, मैं कोई चीज करेक्ट कर दूं कि बाइबल को आयत ना बोला करें. खास तौर पर ये मुसलमान भी अक्सर ये बातें बोल जाते हैं, बाइबल की इस आयत में ये लिखा है, या कि ये जो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर क्रिश्चियंस हैं जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जाहिर है यहाँ पर जो रेज हो रहे हैं, एक कल्चरल जबान आ जाती है, वो ये बात बोलते हैं कि बाइबल की इस आयत में लिखा है. आयत ये कुरान का लफ्ज़ है. आया इसका मतलब है मौजज़ा, मिरेकल. वो मिन आयात ही अमंग हिज साइंस द डिफरेंसेस इन योर फेसेस colors and the tongues are the miracles of God. ये सूरह रूम की आयत है, chapter 30 verse 20. अल्लाह पाक वमिन आयत ही, ये कुरान एक आया है, ये एक निशानी है. हर आयत के अंदर एक मैसेज है, इज अ टेलीग्राम. बाइबल ऐसा नहीं है. बाइबल वंस अपॉन अ टाइम स्टोरीज रिटन बाय एनोनिमस पीपल, अननोन ऑथर्स, नो बायोग्राफीज. तो प्लीज फॉर गॉड सेक, ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनको करेक्ट करें, गलत टर्मिनोलॉजीज मत यूज करें.